चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। ये सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है और षड्यंत्रकारी हारेगा, राजमंगल प्रसाद को न्याय मिलेगा। कहां है राधा मोहन सिंह जी? आप तो बड़ा स्मार्ट खबर के थे, कृषि मंत्री रहते हुए जो आप हमारे देश को गर्व में ले गया है। इतिहास का भी एक कृषि मंत्री के रूप में राधा मोहन सिंह को माफ नहीं कर सकती है। ये मैं साफ तौर पर 75 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन के करीब दौरान वो शहीद हो गए, लेकिन सरकार आज बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने तय कर लिया हम खुद संसद चलाएंगे और वो संसद चला रहे हैं। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है दिल्ली में कि मोदी जी किसानों के साथ न्याय करो, मोदी जी गरीबों की आवाज को मत दबाओ। ये जो आप करता है कि राजमंगल प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित षड्यंत्र करके उन्हें एक झूठे मुकदमे में फंसाने का कोशिश किया है। हम ये मांग कर रहे हैं कि राजमंगल प्रसाद और राजमंगल प्रसाद के साथ और भी साथी जिन्हें भी निर्दोष फंसाया गया है, अविलंब आप जांच कर लीजिए और उनको निर्दोष साबित कीजिए, मुकदमे से मुक्त कीजिए। इसी भावना को लेकर जो आप यहाँ पे जुटे हैं, पुलिस प्रशासन को जो राजसत्ता होता है ना, लोगों का बदला मजदूर हो गया है। और बहुत आश्चर्य होता है यहाँ कैसा SP है, कैसे DSP हैं। अरे घटना घटी तो आप तो जाँच कर लेते, थोड़ा पेशेंस रखे, अगर जांच कर लेते तो आपको पता चल जाता। आज शर्म आती है और इसलिए लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन से उठता जा रहा है। राजमंगल प्रसाद बहुत लोकप्रिय हैं, लड़ाकू हैं और कोई मुकदमा में फंसा के डरा के उनकी आवाज़ को बंद नहीं कर सकता। वे लाल झंडे के सिपाही हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बड़े नेता हैं, राज कमेटी के सदस्य हैं, किसानों के नेता हैं। उनकी रिहाई को मांग से लेकर के उन पर झूठे मुकदमे, वापसी के सवाल को लेकर के आपने सुना हमारे विधायक दल के नेता ने भी कहा कि हम सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर हम संघर्ष करेंगे और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। थैंक यू।